वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी राम कली महला पहला। ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पैया। ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पैया। ये बाणी श्री गुरु नानक देव जी है। संत कई बार दसिया है कि जब भी दुनिया चाहते है वो साढ़े मनुष्य जन्म वाल ही देखते है। क्या कि मनुष्य जन्म भी चाह के कुछ इसने खटिया है, की सौदा किया इतने आके, ये गुआ के चलिया जा खट के चलिया। जिस तरह असी दुनिया की मिसाल है, कोई भी बंदा कोई काम कर जाता है, अगर उसका काम नहीं होता वो परेशान होके घर नूं आउंदा। साढ़े बारे भी संत महापुरख समझा रहे है कि ऐ पुरश ज्यों तो दुनिया च आया त्यों ही दुनिया चों चला गया। ज्यों ज्यों जन्म ले मौत साढ़े सिर ते खड़ी रही। असी अपना मरण जमन नहीं मका सके, असी जो काम करना सी वो नहीं कर सके। गुरु साहब जी बाणी जी एक शब्द फरमाउंदे आ कि आया ते तू हीरे जवाहरात खरीदने वास्ते सी, मगर कलरां दियां पंडा पा लईयां। कलर जिहड़ा हुंदा है उहदी कोई कीमत नहीं हुंदी। मकसद की कि आया सी नेक पाक काम करन वास्ते सी, लेकिन असी बुरे कर्मां दे पहाड़ां दे पहाड़ बना ले। जिन्हां दे कर्मां दे अनुसार सानूं जन्म मिलदे है, और जन्म एक नहीं मिलदा, सानूं 84 दे विच अनेकां जन्म लेना पैंदे। इहदे मरण और पैदा होण दे विच कोई सुख नहीं है। सिर्फ असी अपने इंसानां वल नहीं देखना चाहीदा, तमाम दुनिया के जितने जीव पैदा होए है सारिआं वल नज़र मारो, क्या कोई सुख है? बदल पैंदा है, कीड़े मकोड़े दीआं रुड़ां दे विच पाणी पै जांदा है, हज़ारां जीव उहनां दे रुड़ जांदे, और बजोग जां दुख इको जिहा ही सारिआं नूं हुंदा है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे चिड़ी दे आलड़े जो बोट डिग पैंदा है वो चूं चूं करदी रहिंदी है, कई दिन चोग नहीं चुगदी, इतना उसनों दुख पैदा हो जांदा। किसी गाई माई का बरसात मर जाता है, कभी उन्हें ध्यान नाल देखो उहदियां अखां विचों भी पानी वगदा है, वह भी रोंदी है। ये दुख जिहड़ा है ये दुख जा नहीं सकता। इस वास्ते संत महापुरख सानू समझाते हैं कि ऐ पुरश तू की करन वास्ते आया, जिस काम वास्ते तू आया वो तो तेरा काम रह गया। असी आए सी अपना जन्म मरण मकान वास्ते, आखिरी पौड़ी ते पहुँच गया सी, आखिरी डंडे ते। आखिरी डंडे तू जदों बंदा डिग पैंदा है तो थले कोई भी डंडा ये हाथ नहीं आ सकता, इसनों सब तो थले आना पैंदा है, फिर मुड़ के सानू जन्म लेना पैंदे। ये मनुष्य जन्म साड़ा आखिरी जन्म है, इस तों बाद सानू होर कोई अच्छा जन्म नहीं मिलना। गुरु नानक देव जी महाराज बड़े प्यार नाल सानू समझा रहे हैं,
और बौरे करके बेसमझ करके सानू दस रहा है कि तू बेसमझ है। ज्यों आए त्यों गए बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरन पिया। है बौरे है मूर्ख, ज्यों तू आया इस तरह चला गया, जो सौदा करना आया वो सौदा तेरा बनया नहीं, खाली आया खाली चला गया। इस वास्ते सानू जो भी संत महापुरख बाणी द्वारे समझांदे है, साडा फर्ज है कि असी कुछ ना कुछ उस लैण ते चल के अपना कुछ बना लईए। इसे जन्म दे विच ही असी कुछ बना सकते हैं, और किसे जन्म दे विच साडा कुछ नहीं बन सकता। यही जन्म जड़ा इस नू एक सारे जन्म का अवसर जन्म मिलिया है, सब तो उपर मिलिया है। और जड़ी साइंस इस नू परमात्मा ने बख्शी है वो होर किसे जन्म विच नहीं, ये अपने आप का आपे ही प्रिंसीपल है। इनू समझाने की कोई खास जरूरत नहीं, इनू सारा ही पता है। केड़ा इंसान है जिसनू नहीं पता घाटे और वादे का? हर बंदे दे अंदर सूझबूझ है, और असी समझदार होंदे हुई फिर भी असी गलत पासे जावांगे तो फिर सानू सजा तो पैनी पैनी। नाबालिग और बालक दा हजूर कई बार फरमाते होंदे सी, बालक किसनू कहा जाता है कि जेड़ा इंसान समझदार है, नाबालिग किसनू कहा जाता है जेड़ा बेसमझ है, बच्चा है। अगर कोई केस हो जाता है, बच्चे पासों कोई गलत काम हो जाता है, तो गौरमेंट उसनू वधाई कर देती है, क्योंकि बेसमझ सी, इनू कोई समझ नहीं सी। जेड़ा समझदार करता है उसकी रिहाई नहीं होंदी। एक राधा कतल एक समय जने आ सैवन कतल, कोई भी झगड़ा किसी का होंदा है, कोई घरों हथियार लैके तुर पैंदा है, एक उतों ही कोई चीज़ मार देंदा है, उहदे च बड़ा फर्क है। उहदे बारे भी गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि जिहड़ा घरों जांदा है उहदा राधा है, जिहड़ा सैवन कोई किसी नूं मार देंदा वो अपने बचाओ वास्ते कुदरती मार देंदा, उहदे विच भी गौरमेंट उस नूं रिहाई कर देंदी, उहदे विच भी फर्क है। हुण असी नाबालिग नहीं है, असी बालक हाँ, क्योंकि सानूं सारी समझ है। जदों असी दुनिया का काम करते हाँ सानू कोई घाटा पैंदा है, असी उहनूं बदलने की कोशिश करते हैं, उहदे बारे साड़ी समझ किधर जाती है? इहदे बारे असी कदी नहीं सोचिया कि 24,000 वो परमात्मा सानू स्वास दे रहा है दिन और रात का, और साढ़े स्वास कित्थे लग रहे है, किस काम दे विच लग रहे है, किहड़े किहड़े असी काम कर रहे हैं, क्या कोई साध संगत दे विच, कोई साध संगत की सेवा विच, कोई भजन सिमरन विच, कित्थे साढ़े स्वास खर्च हो रहे है। साढ़े स्वास साध संगत विच खर्च होणगे, भजन सिमरन विच जिहड़े खर्च होणगे उहदा ही सानू फायदा मिलना है, बाकी का कोई फायदा नहीं मिलना। बाकी दे ज्यों आए त्यों गए, जिस तरह आ गए इस तरह चला गए, जिहड़े किसी अर्थ लग जाणगे साहब विच आ जाणगे उहदा सानू फायदा जरूर मिलेगा। इह संतां नूं पता है कि जो परमात्मा सानू इह स्वास दी जायदाद दिंदा है इहदी कीमत की है। असी तो एवें कौड़ियों के पा ही इन्हों बेच रहे हैं। कबीर साहब जी जब दुनिया ते आए, उन्होंने देखा कि उस प्रभु के पासों की मंगी है, ये साढ़े स्वास जेड़े है
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਕਿਆ ਬਜਾਉਂ ਢੋਲ, ਸਵਾਸਾ ਖਾਲੀ ਜਾਤ ਹੈ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕਾ ਮੂਲ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਹੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਰੌਲ ਕਚੌਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਰੌਲ ਕਚੌਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਆਏ ਤਿਉਂ ਗਏ ਬੌਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੌਰੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਾਵੇ ਬਹਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਜਨਮੇ ਤਿਉਂ ਮਰਨ ਪਿਆ, ਜਿਉਂ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ, ਨਾਮ ਵਸਾਰੇ ਭਵ ਜਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਰਸ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ,
और ज्यों ज्यों तू ये रस कस ले ना दुख पैदा हो गया हर रोग पैदा हो गए की खटिया आके जिस काम दे विच सानू बीमारी पैदा हो जाए उस काम का की फायदा है। जिस खुराक खाण नाल साडे अंदर बीमारी पैदा हो जाती है उस खुराक दे खाण दी की जरूरत है। सानू ये सूझबूझ होनी चाहिए, सानू ये अकल होनी चाहिए, ये किसी दे दसण दी जरूरत नहीं। सानू अपनी बेहतरी वास्ते आपे ही सोचना चाहिए और संत महापुरख सानू सुत्यां नू जगाउंदे है, सानू समझाउंदे है कि ऐ मूर्ख तू की कर रहा, किहड़े रस लै रहा, झूठा मद मूल ना पीजिए उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। असीं रोज़ बाणी पढ़ते हाँ, रोज़ सुनते हाँ, लेकिन पढ़न सुनन वाले भी उस घाट ते जां उस लैण ते नहीं चलते। कदी इस तुक नूं असीं विचार कीती है? गुरु नानक देव जी महाराज जो सानूं समझा रहे हैं, झूठा मद मूल ना पीजिए उतर जाए प्रभात, नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कदी इहदे बारे सोचिया हैगा? असीं झूठे नशियां दे विच फसे हाँ, झूठियां चीज़ां नूं असीं खा पी रहे हैं, झूठे ऐशोआशर च फसे हैं। फकीर कहिंदे आ सच्ची सच्चा नशा लै जिहड़ा दिन और रात तैनूं चढ़िया रहे, उस नशे नूं लै। वह नशा साढ़े अंदर शब्द है, वह साढ़े अंदर शब्द आ रहा है, 24 घंटे वह शब्द आ रहा है। महात्मा बुद्ध नूं लोगों ने कहा कोई सानू परमात्मा दे बाबत कोई गलबात दसो, वो चुप करके बैठे रहे। फिर लोगों ने कहा जी तुसी सानू मालक दे कोई परमात्मा दी गलबात दसो, वो फिर चुप कर रहे। कड़ी मड़ी पुछण दे वाले उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा दी आवाज़ नू सुन रहा, मैं दसा की तुहानू, मैं की दसा, वो बोल रहा, मैं दस रहा, मैं सुन रहा, मैं उहदी आवाज़ नू सुन रहा, वो दसण वाली नहीं है। असी खूह दे डड्डू बने हाँ, असी खूह नू ही अज समुंदर समझ लिया। समुंदर बहुत बड़ा हुंदा है, हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे समुंदर तू हैंस कोई किसी खूह ते चला गया। डड्डू ने पुछया तू कौन है? उसने कहा मैं हैंस हाँ। तुसी कित्थे रहिंदे हो? कहिंदे असी समुंदरां ही रहिंदे हां। केड़ा कु समुंदर है? एक छड़प्पा मारिया, एड़ा कु होगा? उन्हें कहा नहीं बहुत बड़ा है, होर चक्कर थोड़ा कटिया इन्ना कर होएगा? कहते नहीं बहुत बड़ा हैगा, सारा खूह का चक्कर कटिया। कह लगे ये तो बड़ा नहीं हो सकता। इस तरह संत महापुरख जड़े है वो समुंदर दे व्यासी ने, असी खूह दे डड्डू बने, असी उन्हों का कहना नहीं मनते। वो कहते समुंदर दे हैंस बनो, वो बहुत बड़ा है, तुसी खूह दे डड्डू हो, तुहानू कोई समझ नहीं, जो असी काम दसदे हां सो करो। साढ़े अंदर वो सच्चा नशा, वो शब्द जिहड़ा आ रहा है, वो तुनकार साढ़े अंदर आ रही है, पर उहदे सुनण वास्ते सानू महफलां की जरूरत नहीं, किसी पार्टी की जरूरत नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है तू बैठ अकेला ध्यान तर तो मिले निशानी शब्द की। तू कला बैठ और अंदर ध्यान तर तैनू कोई ना कोई निशानी शब्द ही मिलेगी। असी उस नूं महफलां दे विच पार्टियां दे विच सुनना चाहुंदे हाँ, उस ताकत नूं लैना चाहुंदे, हो मिलदी नहीं।
भजन कर मगन रहो मन में, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं अगर तू बेफिक्र रहना है तो फिर भजन कर। जे इस चिंता नू इस टेंशन नू दूर करना है तो फिर भजन की जरूरत है। सुथरे फकीर ने बड़ा सोहना किया। सुथरा फकीर किते कोई मरे तद भी जाए, जमे तद भी जाए। एक दिन उसने सोचा कि मैं किहड़े स्यापे च फसिया, ना मेरे कोई पैदा होना ना मेरा कोई मरना है, तो मैं किहड़े फाह च फसिया हैगा जाओ आई च। उस वेले सुथरे फकीर ने कहा कोई मरे कोई जीए सुथरा घोल पदासे पीए, कोई मरदा है कोई जमदा है, जो मर्जी होंदा है तू पतासे किहड़े क्या शब्द, तू शब्द की कमाई कर। सुथरा फकीर खाना बना रहा सी, फकीर ही अंदाजे लाउंदे है, उही सोचदे है एक आटा थोड़ा जिहा उड़ के उस बाहर पिया तो चिड़ी आई, उसने मूँह च पा लिया, उत्तों आवाज पिया उस चिड़ी ने चुक के लै गया। सुथरे फकीर ने सोचा ये की बनया, ये की बन गया, अख फड़कना ना मिली मूँह विच रहा गरा, लख लानती तेरा सुथरिया जे दमदा करें बसा। कहिंदा अख फड़कना नहीं मिली गरा मूँह विच ही रहा, वो काल बाज चुक के लै गया। तेरा लख लानत है जे एक दम दा भी वसा करें, पता नहीं दम आना ही दूजा या नहीं आना, तू ईश्वर की भगती कर लै। जेड़े असल सुथरा है वो एक फुलका पकाउंदा उन्हों खा के दूजा पकाउंदा है। संत सानू बड़े तरीके नाल समझाउंदे है कि भाई तेरी कोई गरंटी नहीं, कोई तेरी डेट नहीं, तू जल्दी अपना काम कर ले, जितना भी जल्दी हो सकता है तू नेक पाक काम कर ले, कोई पता नहीं कल ना पाई दूजा दिन ना पाई, की पता दूजा दिन केड़ा आवे। हाँ जी ज्यों भोग किए ते ता दुख लागे, नाम वसारे पाव जल पैया। असी दुनिया दी ऐशो अशर दे विच पै के की करदे आं, ईश्वर दा नाम ही वसार देने, उस पासे साडा ध्यान नहीं होंदा। जिस पासे साडा ध्यान होएगा उही काम होना है। जे दुनिया वल साडा दुनिया दी ऐशो अशर वल ध्यान होएगा फिर परमात्मा वल साडा ध्यान नहीं होंदा। इसे वास्ते साईं बुल्ले शाह नूं शाह नैत ने पनीरी पुड़द्या ही सबक दे दिता सी। एवें सिर्फ थोड़ा ही फर्क है, जिस तरह एक गड्डी का कांडा बदलते है दूसरी लैन ते लै जांदे, कांडा बदलना है वो लैन दूसरी दे गड्डी चला जाती है। इस तरह असी भी अपनी लैन बदलनी है, जिस लैन ते असी तुर रहे हैं वो लैन छड़नी है, और जिहड़ी ईश्वर दे घर नूं लैन जा रही है असी उस लैन ते तुरना है। जदों संत महापुरख आउंदे है वो सानू यही समझाउंदे, साईं बुल्ले शाह नूं सिर्फ पनीरी पुड़द्या शाह नैत ने कहा, बोलिया रब दा की पौना है इधरों पुट के इधर लाउणा है। साईं बुल्ले शाह नूं कहा इत्थों पनीरी पुटी इधर ला दित्ती है, मकसद की सी कि दुनिया वालों मन पुटना है और परमात्मा की तरफ लगाना है, सिर्फ इन्ना ही काम हैगा, ये ज़्यादा काम नहीं, सिर्फ सानू दुनिया चो मन पुट के परमात्मा की तरफ लगाना है। दुनिया वाल साड़ा मन जड़ा ये बराए नाम रहना चाहिए, रहना जरूर है
क्योंकि हजूर कई बार फरमाते होंगे सी असी सारे काम करने हैं, असी खेतीबाड़ी भी करनी है, नौकरी भी करनी है, मजदूरी भी करनी है, दुकानदारी भी करनी है, हर एक काम करना है। लेकिन वो किस वास्ते करना है? जड़ा साड़ा शरीर है ये तत्तां दा बने है, ये शरीर की कामयाबी वास्ते मिट्टी अग हवा ते पानी ये चार चीतां चीज़ां रलियां तां ते साड़ा पुतला ये शरीर बन गया। और साड़े अंदर जिहड़ी रूह आत्मा है उहदी खुराक है शब्द। ये जिहड़ियां खुराकां असी पैदा करनियां ने ये सिर्फ इस शरीर वास्ते कि साड़ा शरीर कायम रहे। मिट्टी रोज़ जिहड़ी असी खाना खाने हां ये रोज़ दे रोज़ मिट्टी सानूं नवीं देना पैंदी है, मिट्टी नूं नवा पानी सानू देना पैंदा रोज़ दा रोज़। हवा दे बकल सानू हवा नूं जिहड़ा हवा तत्त है उस नूं भी उहदी खुराक देना पैंदी है। अगन तत्त जिहड़ा है उहदी खुराक भी सानू बकल सिर देना पएगी। पर जिहड़ी रूह दी खुराक है साडी दी साडी आत्मा दी खुराक है वह शब्द है। उहदे बारे संत कहिंदे आ भाई ये काम तेरे जिहड़े है जदों तेरा शरीर खत्म होए सारे खत्म हो जाने, लेकिन जिहड़ी तू रूह की खुराक देनी है उस खुराक ने ही तैनू अपने घर लेना है। खाना खाधा मैला बन गया, कपड़ा पाया पट गया, इस शरीर के विच जो भी शरीर नू असी देने आ वो खत्म हो जाता है और इहदे वास्ते जो असी इकट्ठा करने वह भी साडा रह जाता है। सिर्फ जिहड़ा असी रूह की खुराक शब्द की कमाई करनी है वह खुराक जिहड़ी असी आत्मा नू देनी है उस खुराक ने ही साडे नाल जाना, वो साडी असली जायदाद है। जे मार के गिने ना कोसा हर का नाम तेरे संग तोसा। ऐ पुरुष जिस मार्ग तू तुरना है वो बहुत लंबा मार्ग है, तू की खाएगा रस्ते विच ये खुराक ते तेरी जानी नहीं, वो जड़ी नाम दी कमाई करेगा, जड़ा ईश्वर दी भगती करेगा वो तेरी खुराक बन जाएगी। इहदे बारे असी कदी सोचिया नहीं। गुरु साहब जी सानू समझा रहे है ऐ मूर्ख तू दुनिया की ऐशो अशरत दुनिया की लज्जतों के बिच अपना वक्त गुआ दिता लेकिन ईश्वर का नाम पसार दिता, इतना तू इन्हां लज्जतों च फस गया इतने ऐशो अशरत च फस गया कि परमात्मा का ना ही विसर गया तेरे पासों। तेरा फर्ज सी कि ईश्वर का ना नहीं बसार, ये बराए नाम रख इन्हां नूं और ईश्वर का नाम जिहड़ा है वो तेरा भगती जिहड़ी है तू भगती करनी चाहिए है, नाम जपना चाहिदा जिहड़ी तेरी असली जायदाद है जिसने तेरे साथ जाना है। हाँ जी तन तन दे गर्व गया तन तन देखत गर्व गया। गुरु साहब जी हुण सानू हर चीज़ जिहड़ी है दस रहे है और जिथे असी भुलदे हैं तन धन देख के कुछ तो असी अपने शरीर नू देख के भी भुल जाते हैं, अपना शरीर देख के खूबसूरती देख के अकलबंदी देख के ये भी असी भुल जाते हैं कि साडे वर्गा कोई नहीं। दुनिया का धन जिहड़ा है जब ये भी साडे पास आउंदा है इहनू देख के असी भुल जाते हैं, ना साडा शरीर रहना ना दुनिया का धन रहना, ये सब कुछ इत्थे ही खत्म हो जाना, इत्थे बनिया इत्थे ही रह जाता है। सिर्फ जो पिछे दसिया है कि साडी रूह की खुराक जिहड़ी शब्द है ईश्वर की भगती है वही साढ़े साथ जानी, वो साड़ी असली जायदाद है।
बाकी गुरु साहब जी फरमाते हैं तू अहंकार केड़ी चीज़ का कर रहे हैं, की है शरीर जड़ा है, ऐसी बीमारी लग जाए तेरे लागे भी कोई नहीं आउंदा, किथे जाएगा तेरा सोहना शरीर, थोड़े अकलबंदी किधर जाएगी, कोई ऐसी कुदरत बीमारी ला देवे ये बंदे वाल देखण नूं दिल नहीं करता, ये तन पदार्थ तेरा जड़ा ये नहीं पता। बाणी च लिखिया हे माया, गुरु साहब जी फरमाउंदे हे माया मैं तैनूं रुलदिया देखिया, सो वाकया ही इस नूं रुलदिया देखिया, जिन्हां ने 47 दा समां देखिया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनिया है, ये माया इदां रुली है कौडियां दे पा, इदां रुली है जिथे आई उत्थे रह गई, इहदा कोई मुल नहीं पिया, कोई कीमत नहीं इस दी पई, ये शरीर इदां रुले देखे असी कि जितां पट्ठे कुदरदे इदां कुदरे गए, कोई मुल नहीं इहदा पिया। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि भाई दुनिया दी ऐशो अशर च पै गए, दुनिया दे रसां च कसां च पै गए, तू की कीता ई, एक नाम बसारिया, जिहड़ी असली चीज़ ही उहनूं तू बसार दिता है, और जिहड़ियां झूठियां चीज़ां सी उहनां दे नाल तू अपना मन ला लिया। हाँ जी, कनक कामनी स्यों हेत वधाए की नाम वसारे परम गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जिस प्यार नूं तू परमात्मा दी तरफ लगाउणा है वह तू प्यार अपना परिवार च ला दिता, वह सारा ही उधर ला दिता, तू हिस्से का दे, कम से कम हर चीज़ का हिस्सा होंदा है, कोई दुनिया के विच जायदाद बनाउंदा है तो वह घर के हिस्से बनते हैं, जिन्ना जिन्ना हिस्सा आउंदा किसी नूं उन्ना देंदे हैगे, तू कुछ हिस्सा प्यार दा जिहड़ा परमात्मा दी तरफ ते कढ, वह सारा ही जितना दे जितना भी है सब तू परिवार नूं वंड दिता, तेरे पास की रह गया, और तेरी अंत समय कौन संभाल करेगा, कौन तेरी बात पुछेगा। आम दुनिया दे सियाने बंदे जिहड़े है और कई देखे और कई ये गल्लां भी करदे है कि अपने वास्ते अपनी जिंदगी वास्ते बंदे नूं जायदाद थोड़ी रखनी चाहिए, सारी नहीं वंडनी चाहिए। कई सज्जन मित्र ऐसे जिन्हां दे बाल बच्चा वो बाल बच्चे नूं वंड के अपने हिस्से दी रख लैंदे है, क्यों रखदे है कि इहदे पिछे ही साडा कोई कदर करेगा, इस चीज़ के पिछे ही सानूं कोई पुछेगा, जिहदे पास हुंदी नहीं उहनूं कोई पुछदा ही नहीं। इस वास्ते सानूं जिहड़ा प्यार है उस प्यार दा ठीक असी प्यार दे नाल ही साढ़े पशु पलदे है, प्यार नाल साढ़े बच्चे पल सकदे है, प्यार नाल ही साड़ी हर चीज़ रह सकती है, ते उस प्यार नाल ही साड़ा परमात्मा भी साढ़े नज़दीक आ सकता है। वो प्यार सानूं हिस्से दा हर जगह सानूं हिस्सा पाना चाहिए है, कुछ हिस्सा सानूं परमात्मा की तरफ देना चाहिए है, ये सारे का सारा एक पास दे देता फिर साड़ी बात कौन पूछेगा। ऐसे दुनिया जी तुसी देखो, दुनिया की मिसाल है, बहुत सारे लोगों ने जेडे सियाने हैं वो घर की जायदाद जिहड़ी है वह बेशक अपने बच्चों को वंड के देंगे लेकिन अपनी भी रखेंगे, किस वास्ते रखेंगे कि कोई होर नहीं तो जायदाद वास्ते तो सानू पूछूगा कोई, इस दे लैण वास्ते तो साड़ी कोई संभाल करेगा। इस तरह असी भी प्यार जायदाद जिहड़ी है ये ठीक असी ये कोई चीज़ प्यार दे नाल गै पल सकती है और प्यार दे बिना नहीं पच सकती पल सकती, पर जे असी परमात्मा दी तरफ वो हिस्सा थोड़ा बहुता ना दिता तो फिर साडे पल्ले की रहा, अभी सब कुछ दुनिया च वंड दिता, सारा कुछ दुनिया च वंड दिता, साडे पल्ले की रह गया, साडे पल्ले तो उही है जिहड़ा परमात्मा की भगती करनी,
उधर जड़ा असी प्यार लाना है, जड़ा उधर असी प्यार लावांगे उहदा सानू बहुत बड़ा फायदा होएगा। बाबे फरीद ने फरमाया बाणी विच, फरीदा तू हो रहो मेरा, ऐ फरीद तू हो रहो मेरा ते सब जग तेरा। क्यों? कि तू मेरा बन, जगत मेरा है। जे तू मेरा बन जाएगा तो सारा जगत तेरा आदर मान करेगा। जेड़े परमात्मा दे बन गए है, पिछले इतिहास पढ़ के तुसी देखो, जेड़े ऋषि मुनि हौलिए पैगंबर संत महापुरख जिन्हां ने ईश्वर की भगती की है, कि उन्हां दा जगत बनया नहीं? जगत उन्हां दा आदर मान नहीं कर रहा? उहदे ओह बने है, सारी दुनिया उन्हां दा आदर मान करती है। अज भी दुनिया तो भावें वह साड़ी अखां दे ओले होए है, तो तमाम दुनिया उन्हां दे दिन त्यौहार मनाउंदी है, लखां रुपए उन्हां दे उन्हां दिनां ते लगांदे है। क्यों? वो बने है, तद दुनिया भी जड़ी ओदी बनी है। इसे वास्ते बाबे फरीद ने बाणी च फरमाया, फरीदा तू हो रो मेरा, तू मेरा बन ते सही, तू जगत का ही नहीं बन जा, तू जगत ने तेरे नहीं बनना, इदा पहला तू मेरा बन ते जगत मेरा सारा, फिर जगत तेरा बन जाएगा। असी जगत नू बनाना चाहते अपना, वो जगत साड़ा बनता नहीं, क्योंकि जगत के मालक नू असी अपना बनाईए, जगत के मालक दे असी अपना बनीए, आपां बनीए फिर जगत साड़ा बन सकता है। ये बड़ी डूंगी मिसाल है, बाबे फरीद ने जो फरमाई बहुत ही डूंगी मिसाल है, ये बहुत सोचन वाली है। जेड़े जेड़े भी परमात्मा दे बने हैं, कुछ हिस्सा प्यार दा उस पासे वंडिया उन्होंने, कि उन्हों का जगत बनया नहीं? हर एक उन्हों का आदर मान करता है, चाहे वह किसी जात जमात चों होए है, चाहे कोई स्त्री होया, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, कि उन्हों का आदर मान नहीं असी लोग सारे लोग करते? इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाते हैं कि तू सारा ही प्यार ना वंड दे, इधर कुछ प्यार रख लै जिहड़ा परमात्मा की तरफ लगाना है, कुछ हिस्सा अपने पास भी रख लै, तेरी भी बात कोई पूछे। हाँ जी, जात संजम सील ना राखे आ, प्रेत पिंजर है काष्ट पैया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जिहड़ी जायदाद तू रखनी सी वो जायदाद भी वंड दित्ती तू, ते तेरे पास की रह गया फिर? जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर माए कष्ट पिया। जिस जायदाद नू तू रखना सी, जेदे पिछे तेरा परमात्मा कदर करना सी परमात्मा ने, वो जायदाद तू तस्कीम कर दित्ती सारी दुनिया दे विच, फिर तेरी हालत की होई? प्रेतां दे जन्म विच आउणा पिया, प्रेतां दे जन्म विच आउणा पिया, भूतां प्रेतां दे विच, भूतां प्रेतां दे जन्म जिहड़े चार ने, भूत प्रेत जिन किन, ये चार जातां इन्हां दीआं ने, बड़े छोटे हैगे इन्हां विच भी। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है, कि जिहड़ी जायदाद सी तेरी जिहदे नाल तेरा परमात्मा ने कदर करना सी, वह जायदाद तू सारी वंड दित्ती हैगी दुनिया विच, परमात्मा तेरा की कदर करेगा? हाँ जी, जत सत सांझा सील ना राखे आ, प्रेत पिंजर में कष्ट पैया। पुन दान इसनान ना संजम, साध संगत में बाद जाए। मुड़ के पड़ो गल बनी नहीं,
पुन दान इसनान ना संजम साध संगत बिन बाद जाए आ। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि तू पुन दान भी करदा है और भी बड़ा कुछ करदा है पर साध संगत दे बिना ये सारा बात गया। जब तक तेनू साधु की संगत नहीं मिलती तेनू पुन दान का ही पता नहीं पुन दान की करना है तो किनू करना है तो कि पासों सानू पुन करांगे तो सानू कुछ मिलेगा। गुरु साहब जी माघ के महीने च फरमाते हैं माघ मंजन संग साधुआ माघ मंजन संग साधुआ तूड़ी कर इनान हर का नाम त्याए सुन फिर सभना नू कर दान। संत दान कराउंदे है स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाया गुरनी भुखा तेरे धन का कि सतगुर तेरे धन का भुखा नहीं उन्होंने पास भगती नाम का धन बेशुमार है पर तेरा परोपकार करावे भुखे प्यासे को दिलवावे वो तेरा परोपकार कराते हैं जिहड़ा भुखा प्यासा है ईश्वर की भगती करता है जां किसी राह रस्ते ते वो चंगे पासे तेरा धन लवाणगे जिहदे विचों तैनू कुछ मिलेगा। असी किसी शराबी नू अपने दान कर देने वो साढ़े दान का शराब पी लेगा सानू की मिलेगा। किसी जुआरीए नू असी दान कर देने वो साढ़े पैसे जवा जुए ज रहा देगा सानू की मिलेगा। जदों गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये दान किया सी मैते कालू ने कहा कि जाओ कोई खरा सौदा करके आओ तो बाहर गए देखिया साध मंडली बैठी सी उन्हें सोचा कि साधु ने इन्हां नूं अन्न पानी खवा देइए 20 रुपयां दा ते होर इहदे नाल खरा सौदा किहड़ा हैगा सानू उहदे विचों कुछ मिलना है जिहड़ा भजन करेगा साध संगत ईश्वर का नाम जपेगा असी उत्थे दान करांगे उहदे विचों सानू फायदा मिलेगा उहदे विचों फायदा सानू मिलेगा। अगर असी किसी जुआरीए नूं दान कर देंगे सानू कुछ नहीं मिलेगा किसी शराबी नूं दान कर देंगे सानू कुछ नहीं मिलेगा किसी होर किसी भैड़े बंदे नूं दान कर दें जिहड़ा वह गलत पासे किते कंजरां दे घर सुट दे जां किते होर ते सुट देगा सानू उहदा कुछ नहीं मिलेगा। भावें असी करोड़ां रुपये दान कर देंगे असी माण भी करांगे असी दान किया है सानू मिलना कुछ नहीं। अगर असी किसी साध संगत विच जिहड़ी नाम जपदी ईश्वर दा ईश्वर दी भगती करदे आ उहदे विच जिहड़ा असी दान करांगे उहदे विच सानू कुछ मिलेगा होर किते नहीं सानू मिल सकदा। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है दान पुन अशनान असंजम जो असी करदे आ साध संगत बिन बिना साध संगत दे बाद गया। अगर साधु की संगत नहीं तो तेरे दान पुन ते संजम शनान जड़े बिल्कुल कुछ नहीं तेन मिलेगा। अगर साधु की संगत तू करेगा तो साधु के हिसाब नाल तू वरतेगा तो तेन हर एक चीज़ का फायदा मिलेगा। संत का दर्शन पूर्ण शनान शनान इस पानी के नाल साढ़े कर्म नहीं जा सकते वो साढ़े कर्म जाने वास्ते होर चीज़ है जिहदे नाल साडे कर्म नाश होने है। पर ये हथ पैर पैर तन दे ला पानी उतर सुखे मूत पलीत कपड़ हो ला सबोण लईए तो पर ये मत पापा के संग वो उतरे नामे के रंग। जिहड़े असी शनान करदे हाँ वो सिर्फ असी इस शरीर की मिट्टी घटा ही ला सकते हैं और साबण सोडे नाल अपने कपड़े साफ कर सकते हैं साडा अंदरला शीशा साफ नहीं हो सकता। अंदरला शीशा साडा नाम नाल साफ होएगा नेक पाक काम करन नाल ही साडा साफ होएगा इस तरह नहीं होएगा।
जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे हैं, बेशक असी दान पुन कर लईए, शनान कर लईए, कोई संजम रख लईए, जब तक किसी साधु की संगत नहीं। पर साधु बथेरे है गए, साधुआ साधुआ च बड़ा फर्क है, जिन्हें ने मन की साधना की है, जिन्हें ने उस मालिक की बंदगी की है, जिन्हें के अंदर वो जत सत है, उन्हां साधुओं के बारे गुरु साहब जी फरमाते हैं अगर उन्हां दी संगत की जाएगी तो सानू कुछ ना कुछ फल मिलेगा। हाँ जी, पुन दान इसनान ना सांझम साध संगत बिन बाद जाहे आ। लालच लागे नाम विसारे ओ, आवत जावत जन्म गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, ऐ पुरुष तू लालच पै गया, लाल विच पै के आवत जावत जन्म गया, तेरा जन्म ही बर्बाद हो जाता है। एक बार गुरु साहब जी एक शहर के विचों लंघ रहे सन, बाहर जाके डेरा ला लिया। मरदाने ने पूछा, सच्चे पातशाह ये लोग की खाते है चुप करके बैठे है? मरदाने नू एक रुपया देता, जा मरदानिया फलानी चीज़ लिया। मरदाना जदों लैके आया तो गुरु साहब ने कहा चंगी नहीं हैगी, जा इनू वापस कर। जदों वापस करन गया तो उन्होंने कुछ तोल विच घटा दिती, तो कुछ वो सैकेंड हैंड चीज़ हो गई, उन्हें 14 आने दिते। फिर आया गुरु साहब ने कहा भी जा फलानी चीज़ लिया, फिर 14 आने की लैन गया। फिर जिले आया लैके आए तो गुरु साहब ने कहा भी नहीं चंगी हैगी, इनू वापस करके आ। उन्होंने वो 12 आने दिते वापस की। जदों इस तरह घटाते घटाते वो रुपया खत्म हो गया। जो रुपया खत्म हो गया तो गुरु साहब ने कहा मरदानिया सौदा भी साढ़े पास है नहीं कोई भी, तो रुपया भी साढ़े पास नहीं, ये रुपया किधर गया? महाराज पता नहीं लगा रुपया किधर गया, सौदा भी कोई नहीं, तो रुपया भी यो कुछ खाते नहीं है। जिन्होंने तू क्या भी चुप करिए बैठे ने की खाते है, यो कुछ खाते नहीं है, दस तेरा रुपया भी है नहीं, सौदा भी है नहीं। इस तरह मिसाल साढ़े जन्म की है, ये जन्म साड़ा असी लालच में पै गए और लालच च पै के आन जान में साड़ा जन्म ही मुक गया, ये मनुष्य जन्म ही साड़ा खत्म हो गया। हाँ जी, जा जम ताए केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गह। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जिस वक्त वो समा साढ़े ते आना, साढ़े दे जम दूतों ने साड़ी रूह आत्मा कढ़न लै वास्ते आ जाना है, और सानू केसां नू फड़ के उन्हें पड़का के जमीन ते मारना, साड़ी सारी होश भुल जानी, साड़ी रूह आत्मा नू कढ़ के उन्हें लै जाना। तुसी देखिया कई बार कई मृत्यु ऐसी होंदियां ने कि 8-8 दिन पहला ही उन्हां दी जबान बंद हो जाती, बेहोश हो जाते है, कोई होश ही नहीं रहिंदी, क्यों? उन्हां नू जम दूतां दी मार पैंदी और तड़फते है, रोंदे है, पिटते है। जिहड़े नाम जपदे उन्हां नू नहीं पैंदी, जिहदे पास वो मोहर लगी होएगी उन्हू नहीं, जमदूत वो लागे नहीं आउणगे, ना ही उहदी रूह नू कढ़ सकदे। शब्द सुने सो दूरों भागे, मत मारे जीओ बेपरवाह। शब्द सुन के दूरों नस जाते हैं कि भाई असी इहदी रूह आत्मा नू नहीं कढ़ना, जे असी इसने कुछ किया ये उस परमात्मा पासों मरवाएगा, ये पास तो दरगाह का पासपोर्ट है।
इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि जद भी साडा समा आउंदा है जमदूत सानू फड़ के पुटका के जमीन ते मार दिया है असी बेहोश हो जाते हैं और साडी रूह आत्मा नू कढ के वह लै जाते हैं। हाँ जी एहन तात पराई हृदय नाम ना सर्व दया। ऐस तुक ते असी गौर करिए समझिए कि संत सानू की कह रहे है निस निंदा 24 घंटे असी निंदा करते रहते हाँ साढ़े हिरदे विच कोई दया नहीं की साडा बनेगा कौन सानू बख्शेगा। बेशक जिहड़ी मर्जी जमात होवे जिहड़ा मर्जी ही पंथ होएगा अगर हजूर कई बार फरमाते होंदे सी अगर वह निंदा करता है किसी की वह कदी नहीं बख्शिया जाएगा कदी भी नहीं बख्शिया जाएगा। ये सब तो ज़्यादा जुल्म जड़ा निंदा का है। आम लोगों की मिसाल है ना कि बंदे नू फट लगा जड़ा मिट जाता है तो किसी नू गल माड़ी कही मिटदी नहीं हैगी माड़ी गल किसी नू कही दा वो सारी उम्र ही उहदे शरीर दे विच फिरदी रहिंदी हैगी। इस वास्ते जो कुछ गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि साडा फर्ज है कि असी किसी की निंदा ना करिए असी उन्ना टाइम भजन ते लाइए किदी निंदा करनी। साईं बुल्ले शाह ने फरमाया किनू मार दियो तुसी माटी माटी नू मारन आई माटी दा हथियार कहिंदा रूह ते मरदी नहीं मिट्टी नू मिट्टी मारन आई ते मिट्टी दा ही हथियार हैगा मिट्टी दा हथियार ते बंदा ही बंदे नू मिट्टी मिट्टी नू मारन आई क्या रूह भी मरदी है रूह ने ते मरना ही नहीं असी किदी निंदा कर सकते हैं। वो तो परमात्मा की अंस जिहड़ी है वो तो उसे दी हैगी है असी उन्हूं बड़ा छोटा किदां कह सकते हैं वो तो जो है सो है उन्हूं तो वध घट असी कह नहीं सकते असी कहांगे तो साडा खोटा करों बनेगा। स्वामी जी महाराज जिन्होंने मिशन बनाया उन्होंने बाणी च लिखिया है निंदा बुरी जग माही पापी की भी करनी नाही। वो भाई ये बहुत बुरी है तुसी कोई पापी भी लभदा उहदी भी ना करो उहदा पाप क्यों तो अपने गल लैण पाउंदे हो क्यों चुकदे हो उहदा भार क्यों उहदे मैले कपड़े धोंदे हो वह आपे धोवे। हुण इत्थे असी सोचना है कि साडी भगती किधर जाएगी जे असी एक प्रोग्राम साडा बनिया रहा साडे हिरदे च कोई दया नहीं ते निंदा असी करदे रहांगे ते की साडी भगती जिहड़ी कीती है किते अर्थ लगेगी कोई मन्नेगा साडी भगती नू ये साडी भगती नहीं मननी किसे भी ये एवें चले जाना साडा वक्त। हाँ जी बिन गुर शब्द न गत पत पावे राम नाम बिन नरक गया। बगैर सतगुर दे कोई गत मत नहीं ऐसी दी होई बगैर नाम दे उस मालिक दी भगती दे नरका नू जाएगा। किसे दी भी मिसाल है कोई भी हो सकता जिन्हों मुरशद मानत देंदा है जिन्हों मुरशद समझदा है ते दूसरा उहदी निंदा करेगा ते की वह बच जाएगा। एक बार यूपी असी गए एक बंदा कहन लगा जी गुरमत सिद्धांत जेड़ा है मैं इहदियां कमियां कढ रहा इहदे विच जिहड़ियां कमियां लिखियां ने कमियां ना वो मैं लिख रहा होर लिख रहा हूँ जिन्हां कोल बह के वो गल कर रहा ही जवाब भी कोई ना देवे उन्हों बंदा बड़ा पुराना और डेरे विच रहिंदा हुई पुराना बंदा उहदा नाम भी
परदेसी पैदा ही घर की ना सी उहदा ना भी बड़ा पायदा ही भी बड़ा प्रेमी हैगा। मैं कहा जी तुसी गुरमत संधार दी कमी कढ रहे हो कि जां सतगुर दी? तो मेरे वाल मूँह चुकी देखन लग पिया। मैं कहा मैं तुहानू पुछ रहा कि तुसी गुरमत संधार दी कमी कढ रहे हो जां सतगुर दी कमी कढ रहे हो? कहिंदा की गल? मैं कहा जदों गुरमत संधात बनाई गई है, किताब बनाई गई, तो बाबे सौण सिंह ने दस्तखत किए से, मैं कहा कि मैनू मंजूर है ये छपा लो। हज़ारा तो लखा छपाइया तो लोगों ने लेतियाँ है। मैं कहा तू हुण कमी बाबे सौण सिंह की कढ रहा कि गुरमत संधात की? जवाब दे मैनू। है फिर नहीं बोलिया। फिर मुड़ के साढ़े को आया भी नहीं, आया भी नहीं। कित्थे बंदा देगा हिसाब किताब? अपने आप नूं अकलबंद समझे। मैं कहा तू मैनू सिर्फ एक गल दा जवाब दे दे, जे तू बनाई है तो मुर्शिद ने मन ली है, चाहे कमी है चाहे नहीं कमी, चाहे सच्ची है चाहे झूठी है, जद मुर्शिद दस्तखत कर देंदा है तो तू कमी कि करदा हुण? इस तरह अगर जिहड़ा सिख कमाई करदा है तो मुर्शिद उस नूं मनदा है, तो जे वह सिख उहदी निंदिया करन ते जाण के किधर किहड़ा मुर्शिद बख्शेगा उहनां नूं? किसे नहीं बख्शना, ये पता लगेगा अंत समय च। हाँ जी, बिन गुर शब्द न गत पत पावे, राम नाम बिन नरक गया, खिन में वेस करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि जिस तरह नट तमाशा करते हैं भाई, इस तरह के असी तमाशे कर रहे हैं मोह विच फस के, और असी गलत रस्ते जा रहे हैं। तो रस्ता सानू संत महापुरख दसदे है जिस रस्ते सानू चलना चाहिए, जिस तों सानू फायदा मिलना है, उस पासे असी जा नहीं रहे। इन्हां दे तमाशे वांगर असी तमाशा कर रहे हैं। हाँ जी, इते उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन पैया। गुरु साहब जी, दुनिया दे जिथे असी जीव फसे होने, संत सानू बड़े तरीके नाल समझाउंदे है, इत उत माया देख पसरी और मोह माया विच पै के एक गलती दे रस्ते चला जाता, हंकारी बन जाता है, मानी बन जाता है कि मेरे वर्गा कोई नहीं हैगा, मेरे पास सब कुछ है, राजपाट मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास हैगा, मैं हुण की समझदा किसी ने। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि गलती दे रस्ते चला गया, गलत चला गया, ये कुछ नहीं, ज्यों आई त्यों गई, ज्यों आउंदी है त्यों ही चला जाती है, इहनूं कोई रख नहीं सकदा। एक काग बनेरे दा कदी उड़ के किसे पासे चला जाती, कदे किसे पासे चला जाती है। बड़े बड़े देखे असी जिन्हां दे पास सब कुछ सी, और कोई समा ऐसा आ गया कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, कित्थे गई? हजूर कई बार फरमाउंदे इस चीज़ ने सब नूं रोना और सब नूं साना, इसने एक थां नहीं रहना, जिथे जाती है वह हसन लग पैंदे, जिथू जाती है जिन्हें दे जाती है वह रोन लग पैंदे। इस वास्ते फकीर इहदे ते मोहत नहीं होंदे। फकीर कहिंदे जो आई वरतो, इसनूं चंगे पासे दे ला दिओ और भजन सिमन करो, इहदा ना ध्यान रखो, ईश्वर का नाम जपो। हाँ जी, करे विकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पैया।
दुनिया दे असीं बहुत ही टसन करते रहने हाँ, कई कुछ करते रहते हाँ, पर गुरु साहब जी फरमाते हैं बगैर सुरत शब्द के ये सारा परम है। जब तक अपनी सुरती नूं शब्द नाल नहीं जोड़ता वो काम नहीं करता, ये बाकी सारा परम ही है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हौ में रोग महा दुख लागा, गुर मत लेवे रोग गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि होमे दी बीमारी सारी दुनिया नू लगी, एक नू नहीं सारी दुनिया नू, ये गरीब नू नहीं, ये बीमारी गरीबी मेरी दी विच नहीं है गे, वो बीमारी होर है, ये किसी भी चीज़ नाल नहीं जा सकती। ये बड़े बड़े शाहूकारां नू बीमारी लगी है, अरबां पतियां नू लगी, राजे महाराजां नू लगी है, लैलाटां नू लगी है, सारिआं नू बीमारी लगी है, पर इस दा इलाज जिहड़ा है ये संतां महापुरखां दे पास। कोई भी डॉक्टर इस दी दवाई नहीं दे सकदा, इहदा की इलाज है? होमे ममता शब्द जलाई। ज्यों ज्यों सिख शब्द की कमाई करता है इहदे च होमे ममता जिहड़ी खत्म होना शुरू हो जाती है और असल चीज़ जिहड़ी है अंदर आना शुरू हो जाती है। हाँ जी, सुख संपत को आवत देखे, साकत मन अभिमान पैया। गुरु साहब जी सुख दे बारे फरमा रहे हैं, जदों भी किसी नूं कोई सुख मिलता है, सुख की है? कोई धन पदार्थ मिल गया, परिवार हो गया, या कोई माण वड़ाई किसी की कोई करता है, ये उसनों समझता बड़ा सुखी आएगा। पर संत नहीं मानते, कहते कोई सुख नहीं हैगा। सहजो भाई ने ये बारे फरमाया है, ये सुख जेड़ा है एक सिर्फ लोहार की सन्नी की मिसाल दी है। सहजो भाई एक स्त्री हुई है, उसने बहुत तपस्या की है और वो अख खुल गई जी, लोग पर लोग देखती सी। उन्हें दसिया कि ये लोहार की सनी, जिस तरह लोहार अपनी गिठी के सनी के नाल लोहा फटता है, बाहर कढ़ता है, वो सनी जब गर्म हो जाती है फिर पानी के डोबा करा देता है, ठंडा कर लेंदा, फिर उसनों उस अंगीठी च पा देंदा और फिर गर्म आती फिर पानी च पा देंदा। सहजो भाई ने फरमाया, ए सहजो, ये दुनिया का दुख तो सुख है, ये ना तू बच, ये दुख सुख के बिचों निकलने की कोशिश कर। सहजो भाई ने फरमाया बाणी बिच, चलना है रहना नहीं, चलना बिसवा वीस, ऐ सहजो तिनक सुहाग पर कहें गदामे सीस। देखो जिन्हां ने नाम जपया है उन्हां दे ख्याल किड्डे उच्चे होंदे है। चलना है रहना नहीं, जाना जरूर है, ऐसा है जो एक तिनका जड़ा है, तिनके नू तोड़ दिया किन्ना कु चिर लगता है। कादे वास्ते तू शौंकां कर रही है दुनिया दियाँ, किस चीज़ वास्ते कर रही है? एक तिनका जड़ा कख होंदा उन्हों तोड़ दिया किन्ना कु चिर लगता, आ तेरी जिंदगी है। हर चीज़ की कोई ना कोई गरंटी है, साड़ी जिंदगी की कोई गरंटी ही नहीं, कोई डेट नहीं, की पता है किड़ा समा आ जाए। इस वास्ते संत महापुरख साड़ी इस तमज्जो नू, इस ख्याल नू बदला के उस परमात्मा की तरफ ख्याल लगांदे है कि तू सारा ही ना वंडे दे अपना, जो कुछ भी प्यार है तेरे पास, जो भी है तू सारा दुनिया च ना वंड दे, परमात्मा की तरफ भी लगा दे, उस पासे भी थोड़ा हिस्सा रख लै, उदे वास्ते भी सारा ही ना वंड दे। हाँ जी, जिसका ए तन तन सो फिर लेवे, अंतर सहसा दुख पैया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमाउंदे है कि जिसदा ए तन धन
ਸੋ ਫਿਰ ਲੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੈਂਸਾ ਇਹ ਸੈਂਸਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਪੋ ਸ਼ਰਨਾਈ ਮੋਹ ਸੋਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਟਾਈ ਸੰਤ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਰਾ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਦੇਖ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਣ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਇਜ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹੀ ਦਾਤ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੁਛ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸਭ ਤਿਸੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਨ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ 60 ਬੰਦੇ ਖਰ 60 ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਹੈ ਬੱਦਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਕੌਣ ਬਾਲੀ ਦੇ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਭਜਨ ਸਿਮਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਨਾਮ ਰਿਦ ਲੈ ਪਾਰ ਪੈਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੂਹੇ ਕੋ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਵੇ ਪੈ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ ਪੈਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮੋਏ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਛੋੜ ਕਰ ਪੂਜੇ ਭੂਤ ਪਤਾਲ ਪੂਜੇ ਭੂਤ ਪਤਾਲ ਮੁਗੇ ਫਿਰ ਪੂਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਰਮੇ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਭੂਤ ਉਤਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚੂਰਮਾ ਚਾੜਿਆ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਕੁਟੰਬ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ, ਸਾਕਤ ਜੰਜਾਲ ਪਰਾਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬਹੁਤਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਰੀ ਆਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਉੱਧਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਡਿੱਗਾ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਪਰਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਡੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਆ, ਸੰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਸੇ ਪਠਾਏ, ਚਾਲੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਲੈ ਕੇ ਪੜੋ। ਜਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਪਠਾਏ, ਚਾਲੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਨਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਤੁਝ ਭੇਜਿਆ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਹਿ ਸੇਤੀ ਕਰੋ। ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਆਏ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਪਠਾਏ, ਚਾਲੇ ਤਿਨੇ ਬੁਲਾਏ ਲੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ। ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖਿਆ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਨ ਇਹ ਰਾਮ ਰਸੈਨ ਚੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੋਚ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੇੜ ਚਾਲ। ਪੇੜ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸਰਣ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸਰਣ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਬਿਰਕਤ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ये दोवें लैणा जिहड़ियां सामो सामी चल रही हैं, दुख भी चल रहा और सुख भी चल रहा। सानू दुख भी आ सकता, सुख भी आ सकता है, पर जिहड़े फकीर नाम जपदे है वह सुख दे विच हंकारी नहीं होंदे और दुख दे विच दलगीर नहीं होंदे। वो एक समान समझदे, जे दुख आया तो वह यही समझदे कि मेरा ही है, हो सकता मैं ही किसी वेले कीता वे तो मेरे अगे आया, जे सुख आया तो भी समझदे शायद ये अपना ही है। वो किसी नूं दोष नहीं देंदे हैगे, वो एक समान समझदे। हाँ जी, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते बिरकत पैया, आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लैया। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, आप मार। बाणी जी जिस तरह फरमाया कि जब तक ये अपने आप नूं मारदा नहीं, उस शव परमात्मा नूं पा सकदा, उस मालक नूं नहीं पा सकदा है। कुरान शरीफ दे विच भी लिखिया है, अल्लाह ताला मारेगा, मार के जवाएगा, फिर नहीं वत मारेगा। एक बार तैनू अल्लाह ताला मारेगा, क्योंकि दुनिया दी ख्वाहिशां जिहड़ियां इस जीव दियां खत्म होणगियां। जदों दुनिया दियां ख्वाहिशां खत्म हो गईयां, ये दुनिया वालों एक किस्म का मर जाता है। इहदी ख्वाहिश एक शब्द नाल जुड़ जाती, फिर शब्द के नाल इहदा प्यार लग जाता है, फिर ये जिंदा हो जाता है, फिर ये मरदा नहीं। शब्द मरदा नहीं और ये भी नहीं मरदा, इहदा कनशकन जिहड़ा शब्द नाल जुड़ जाता है। इस वास्ते श्री भाव च एक शब्द कहा है, मर बे खसमा मर, तू मरे ता मैं सुहागण होई, जे तू मरेगा तो मैं सुहागण हो जावांगी। क्यों? कि मेरा शब्द नाल प्यार हो जाएगा। खसम साडा कौन है? मन। साडी आत्मा का पति इस वक्त मन बनया है और साडे अंदरों शब्द आ रहा है। रूह यही कहती है कि तू मर, है मेरे खसम तू मर, जे तू मर जाएगा मेरा सुहाग पूरा हो जाएगा, मेरा शब्द नाल प्यार लग जाएगा। शब्द मरदा नहीं, आउंदा नहीं, जांदा नहीं, हमेशा वास्ते जिंदा है। हाँ जी, आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लैया।